हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बिना फोम, बिना अस्तर, बिना कोई खर्च के मार्केट में मिलने वाले महंगे स्टोरेज बैग को घर पर ही बना के रेडी करेंगे। तो मेरे पास देखिए कुछ पुरानी बेकार साड़ियां हैं, कुछ पुरानी बेकार बेडशीट है, तो इन्हीं का यूज करके हम आज मार्केट में मिलने वाले महंगे स्टोरेज बैग को घर पर ही बना के रेडी करेंगे बिल्कुल फ्री पे। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने सिंगल पीस यहाँ पे देखिए क्विल्ट कर लिया है, तो बीच में प्लास्टिक की बोरी है, नीचे साड़ी का कपड़ा था और ऊपर देखिए मैंने बेडशीट का कपड़ा लगाया है। तो तीनों चीज़ों को देखिए बीच बीच पर सिलाई लगा के और फिर चारों तरफ सिलाई लगा के मैंने इसको क्विल्ट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, तो 22 इंच इसकी देखिए चौड़ाई मैंने रखी है और यहाँ पर 45 इंच हमको इसकी लंबाई रखना है। 22 इंच इसकी चौड़ाई है और 45 इंच हमको इसकी लंबाई रखना है। तो देखिए इसी साइज पे मैंने इनको क्विल्ट कर लिया है, तो इसी साइज पे देखिए एक बड़ा सा पीस मैंने रेडी कर लिया है और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे किसी भी एक तरफ पे देखिए 7 इंच पे हमको इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये देखिए 7 इंच पे इस तरीके से लंबाई पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। तो ये जो हम निशान लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो दूरी है वो 7 इंच है। अब ये जो निशान मैंने लगाया है इसको देखिए हम कट कर देंगे। अब हमने ये जो देखिए 7 इंच पे ये जो लाइन हमने लंबी वाली जो खींच के रेडी करी थी, तो इसको यहाँ से देखिए इस तरीके से हम कट कर देंगे। तो दो पीस हमारे पास देखिए इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब इसके बीचों बीच पे देखिए हमको चेन लगा के रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए 45 इंच लंबी हमको चेन लेना है और ये जो हमने चेन ली है तो इसको देखिए दोनों तरफ से हमको एक एक रनर डाल के रेडी करना है। और चेन पे रनर को डाल के रेडी करना बहुत ही आसान है। देखिए दोनों तरफ से ये जो तारे थी चेन की उसको निकालना है और फिर रनर के अंदर देखिए हम इस तरीके से डालेंगे और बहुत ही आसानी से आपकी ये जिप पे देखिए रनर डाल के रेडी हो जाता है। तो एक तरफ से मैंने एक रनर डाल के रेडी कर लिया है, दूसरी तरफ से भी देखिए दूसरा वाला रनर हम डाल के रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने रनर को डाल के रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए कपड़े के ऊपर इस तरीके से देखिए चेन को हमको उल्टा करते हुए रखना है और पहले पूरा एक सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। और एक सिलाई देखिए लगाने के बाद अब ये जो सिलाई है इसको अंदर की तरफ हमको फोल्ड करना है और फिर यहाँ पे देखिए हम टॉप सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जब हम चेन को खोलेंगे लगाएंगे तो कोई भी धागे वगैरह हमारी चेन पे नहीं फंसेंगे और ये जो हमारा बैग है लंबे टाइम तक चलेगा। तो देखिए टॉप सिलाई हमने लगा ली। अब ये देखिए जो हमने कपड़े की कटिंग की थी, तो ये दूसरा वाला जो पीस था उसको चेन के ऊपर देखिए इस तरीके से उल्टा करके रखना है और फिर देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हम सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पे भी देखिए हमारा रनर आता है सिलाई पे, तो उसको हम आगे पीछे खिसका के सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि जो हमारी सिलाई है आसानी से हो जाएगी और हमारी सुई भी नहीं टूटेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम पूरा चेन को पहले जोड़ लेंगे और फिर इस तरफ भी हमको देखिए टॉप सिलाई लगा के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा चेन के किनारे किनारे पे हम टॉप सिलाई लगा के इसको भी हम इस तरफ से भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमको यहाँ पे बीचों बीच पे चेन को जोड़ के रेडी कर लेना है। तो एक बड़ा सा पीस हमारा देखिए रेडी हो गया है और बहुत बड़े साइज पे हमारा स्टोरेज बैग बन के रेडी होगा, जिसपे आपके ढेर सारे कपड़े स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइडों से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने कट कर दिया है। तो देखिए 21.5 इंच की अब चौड़ाई बची है और 45 इंच की लंबाई है। अब एक देखिए पट्टी मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर ली है, जिसकी लंबाई 21.5 इंच है और 12 इंच की चौड़ाई है, और इसको भी मैंने देखिए क्विल्ट कर लिया है बीच में प्लास्टिक की बोरी लगा के। अब बड़े वाले पीस के ऊपर ये छोटी वाली पट्टी को हमको इस तरीके से रखना है और देखिए पिनअप कर लेंगे। तो किसी भी एक तरफ हम इस पट्टी को जोड़ के रेडी कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए अब 2.5 इंच चौड़ी और यहाँ पे देखिए 22 इंच लंबी मैंने साड़ी से पट्टी को कट कर ली है और साथ पे देखिए हम पाइपिंग पट्टी भी लगा लेंगे। तो इसको भी मैं देखिए पिनअप कर लेती हूँ। एक बार वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा आसानी से देखिए आपको समझ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो छोटी वाली जो पट्टी हमने रेडी करी थी
उसको और पाइपिंग पट्टी को हम साथ पे ही जोड़ के रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो अलग से भी पाइपिंग पट्टी लगा सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे रख के साथ पे ही पाइपिंग पट्टी को भी जोड़ के रेडी कर लिया था। अब इसको दूसरी तरफ पे देखिए डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसको देखिए पाइपिंग कर देंगे, जिससे कि जो भी धागे वगैरह हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और अभी एक आइडिया मैं और भी आपको बताऊंगी, जिससे कि आप देखिए इसको ना बिना पाइपिंग के भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक तरफ हमने पाइपिंग लगा ली है और दूसरी तरफ जब हम इसको जोड़ेंगे तो बिना पाइपिंग के हम इसको देखिए जोड़ के रेडी करेंगे। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका ईजी पड़ता है आप वैसे इसको जोड़ के रेडी कर लीजिएगा। अब ये देखिए दूसरी तरफ वाली साइड को ये इस पट्टी के ऊपर हमको रखना है। तो ये देखिए इस पट्टी के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और फिर पूरा देखिए हम किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरफ ना यहाँ बिना पाइपिंग पट्टी के इसको जोड़ के रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमको आधा इंच कपड़े को दबाते हुए यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हमको लगाना है टॉप सिलाई। तो इसको देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और कपड़े को दबाते हुए इस तरीके से हम टॉप सिलाई लगा देंगे। तो आप यहाँ पे पाइपिंग भी लगा के रेडी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से देखिए टॉप सिलाई लगा के भी जोड़ सकते हैं। तो आपको जो भी ईजी पड़ता है आप वैसे यहाँ पे सिलाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा इस तरीके से ऊपर की तरफ से हम टॉप सिलाई लगा देंगे, जिससे कि कोई भी धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से देखिए बीचों बीच पे हमने ये पट्टी जोड़ के रेडी करी है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 इंच चौड़ी जो हमने पट्टी जोड़ी है ना बीच पे, इसका भी सेंटर हमको इस तरीके से निकालना है। देखिए ये जो बीच पे हमने बाद पे जो पट्टी जोड़ के रेडी की है इसका भी सेंटर हम निकालेंगे। और फिर ये जो बड़ा वाला पीस था हमारा कपड़े का जिसपे हमने चेन जोड़ के रेडी किया था, तो उसका भी देखिए इस तरीके से 20 सेंटर हम निकाल लेंगे। अब ये जो 20 सेंटर है 20 सेंटर से मिलाते हुए देखिए इसको हम पिनअप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप पिनअप कर लीजिएगा या फिर आप कच्ची सिलाई लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो ये देखिए सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए मैं इसको यहाँ पे देखिए पिनअप कर लूँगी। अब दूसरी तरफ भी देखिए हम अच्छे से कपड़ों को सेट करते हुए हम पिनअप कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ आप कोई भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं। हम सभी लोगों के घरों पे बहुत सारी पुरानी बेडशीट होती हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जहाँ पे मैंने पिनअप किया था वहाँ पे दोनों तरफ किनारों पे हमको सिलाई लगानी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से पहले हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमको इनको पाइपिंग से देखिए फिनिश करके रेडी करना है। तो यहाँ पे 2-2.5 इंच देखिए चौड़ी हमको साड़ी या फिर आप पाइपिंग पट्टी किसी भी पुराने कपड़े से पाइपिंग पट्टी कट कर लीजिए इस तरीके से। और पट्टी को इस तरीके से देखिए एक बार सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ और फिर इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पे पाइपिंग लगाना है, जिससे कि कोई भी धागे वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए कोई भी पुराना कपड़ा आप यूज कर सकते हैं, साड़ी का, दुपट्टे का, बेडशीट का। यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी के कपड़े से ये पाइपिंग लगाई है, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग हमारी लग के रेडी हो रही है। और ये जो पुरानी मेरी साड़ी है ना उसका कपड़ा बहुत ही मुलायम है। तो ये देखिए चलिए मैंने देखिए दोनों तरफ किनारों पर पाइपिंग लगा ली है। तो इस तरीके से देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये हमारा बैग बनके रेडी होने वाला है। अब हमको यहाँ पे देखिए इसके ना कॉर्नर कट करने हैं। तो यहाँ पे हम देखिए कॉर्नर कट करेंगे, तो कॉर्नर आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 5 इंच बाई 5 इंच पे भी कॉर्नर कट कर सकते हैं, 5.5 इंच बाई 5.5 इंच पे भी आप कॉर्नर की कटिंग कर सकते हैं और 6 इंच बाई 6 इंच पे भी आप कॉर्नर की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किनारे पे ना 5.5 इंच बाई 5.5 इंच पे मैं कॉर्नर की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए तो मैंने निशान लगा लिया है 5.5 इंच पे इस तरफ से देखिए, और 5.5 इंच हमको नीचे की तरफ निशान लगाना है और फिर इन निशान को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो चारों तरफ किनारों पर हमको ये निशान लगा के पहले रेडी कर लेना है। तो पहले हम निशान लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे
तो छोटा बड़ा कॉर्नर कट नहीं होगा हमारा, बराबर साइज पे देखिए हमारे ये कॉर्नर कट होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों तरफ निशान लगा लिया, अब इनको हम कट कर लेते हैं। और यदि आप देखिए बिना निशान के इनको कटिंग करना चाहते हैं ना, तो एक कॉर्नर को आप कट कर लीजिए और फिर इस तरीके से रखते हुए आप सारे कॉर्नर कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी बहुत ही जल्दी जल्दी हमारी ये कॉर्नर की कटिंग हो जाती है। और ये जो कॉर्नर होते हैं ना, छोटे बड़े नहीं होते हैं, बराबर साइज पर कट हो जाते हैं। तो ये देखिए बस इसी तरीके से चारों कॉर्नर हम कट कर लेंगे। अब चारों कॉर्नर हमारे यहाँ पे देखिए कट हो गए हैं। अब ये जो कॉर्नर हमने कट करे हैं इनको इस तरीके से देखिए पकड़ते हुए हमको सिलाई लगाना है। तो चारों कॉर्नर को इस तरीके से देखिए पकड़ना है अच्छे से बराबर से, और सिलाई लगा लेंगे हम। और फिर सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने पाइपिंग से देखिए पहले किनारों पे जो पाइपिंग लगाई थी, तो वैसे ही देखिए हमने चारों कॉर्नर पे पाइपिंग लगा ली है। अब इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जो चेन की तरफ ये जो मैंने पाइपिंग लगाई है ना, तो उसको देखिए हमको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमको टॉप सिलाई लगाना है, जिससे कि ये जो पाइपिंग है ना वो देखिए हमारी चेन पे आके नहीं फंसेगी। तो यहाँ पे देखिए पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर ऊपर की तरफ से देखिए हमको यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेना है। तो जैसे मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ, वैसे देखिए हम पहले एक तरफ हम टॉप सिलाई लगा लेंगे, पट्टी को, ये जो पाइपिंग पट्टी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए हम किनारे किनारे पे पूरा टॉप सिलाई लगा लेंगे। और बिल्कुल धीरे धीरे टॉप सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो पाइपिंग हमने लगाई है तो यहाँ पे ना थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मोटा हो गया है। तो बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे, ध्यान रखना है कि जो हमारी सुई है वो बिल्कुल भी ना टूटे। अब ये देखिए ये दूसरी तरफ भी यहाँ पर हम देखिए चैन की साइड पर यहाँ पर पट्टी को हम जो पाइपिंग थी हमारी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से जब आप टॉप सिलाई लगाएंगे तो ये जो आपने जो पाइपिंग लगाई है वो पाइपिंग आपकी चेन पे नहीं फंसेगी। तो दोनों तरफ मैंने देखी है सिलाई लगा ली। अब ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा स्टोरेज बैग यहाँ पे बनके रेडी है। और कोई भी धागे वगैरह देखिए आपके इस बैग से नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये जो बैग है ना बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा इस तरीके से जब आप बनाएंगे। तो अब देखिए ये जो कॉर्नर हमने कट किए थे साइडों से, तो इसको इस तरीके से देखिए पहले हम एक खोल लेते हैं और हमको हैंडल बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए 4.5 इंच चौड़ी और 11 इंच लंबी मैंने पट्टी कट कर ली है। बीच में इसके प्लास्टिक की बोरी है और सिलाई लगाते हुए देखिए मैंने 11 इंच लंबी यहाँ पर पट्टी बना ली है। तो इसको देखिए अब हम यहाँ पर ना बीचों बीच पर लगाएँगे इसको। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सामने की तरफ बीचों बीच पे लगाएंगे। तो आप इसको देखिए बीच सेंटर इस तरीके से आप ना चैन खोलते हुए इसका बीच सेंटर इस तरीके से नाप लीजिएगा और फिर हैंडल का भी बीच सेंटर इस तरीके से रखते हुए यहाँ से देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ पट्टी को अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करना है और धीरे धीरे सिलाई लगाना है। यदि आपकी सिलाई मशीन पर देखिए सिलाई नहीं होती है तो आप हाथ से भी सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई लगा के हमको हैंडल को लगा के रेडी करना है यहाँ पे। एक तरफ देखिए हमने सिलाई लगा के ये बेल्ट को जोड़ के रेडी कर लिया है, अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा के बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो बस यहाँ पे देखिए 2-3 सिलाई अच्छे से लगाइएगा, जिससे कि ये जो हमारा हैंडल है जो हम यहाँ पर देखिए बेल्ट लगा रहे हैं वो अच्छी मजबूती से लग के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको देखिए मैं आपको इस पर कपड़े रख के दिखाती हूँ, इस पर आपके ना बहुत सारे कपड़े स्टोर हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बेल्ट लग के रेडी है। और अब हमको क्या करना है, इसके जो चारों कॉर्नर हैं उनको आप अच्छी तरीके से निकाल के पहले सेट कर लीजिए, फिर आप इस पे देखिए कपड़े रखिएगा। आप इस पे देखिए बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, शर्ट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, पैंट ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, आप जो हैवी वाले जो लहंगे होते हैं उनको भी आप इस पे स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने इसको ना साड़ी रखने के लिए बनाया है, तो मैं अभी आपको इस पे देखिए साड़ी रख के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर कितनी सारी साड़ियाँ स्टोर करी थी।
तो देखिए बहुत ही प्यारा सा ये बैग है, पुराने बेकार कपड़ों से घर पर ही बनके रेडी हो जाता है। बस आपको एक चैन मार्केट से ख़रीदनी है और बाकी बेकार की चीज़ों से ही मैंने बनाया है, पुरानी बेडशीट से, पुरानी साड़ी से और बेकार बोरी से। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी साड़ियाँ मैंने इस पर स्टोर कर दी है और इसके इस बैग के अंदर आपकी 10 साड़ी आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आप काउंट कर लीजिएगा कि मैंने इसके अंदर कितनी साड़ी रखी है। तो मैंने इसके अंदर ना 10 साड़ी रखी है और ये देखिए आराम से इसकी चेन जो है वो आराम से लग गई है। अभी इस पर ना 2 साड़ी आराम से आ जाती, पर मैंने इसके अंदर अभी देखिए 10 ही साड़ी रख के रेडी किया है इसको। और सामने से हैंडल है, आप पकड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके के बैग बना के आप देखिए इनको अलमारी पर भी रख सकते हैं, अलमारी के बाहर भी रख सकते हैं। ऊपर से देखिए इसकी जो चौड़ाई है 17 इंच है और गहराई इसकी 8.5 इंच है और ये सामने की तरफ से भी देखिए 17 इंच है। तो बहुत ही बड़े साइज पे ये बैग हमारा बनके रेडी हुआ है और पुराने बेकार कपड़ों से मैंने इसको बनाया है। आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, तो नेक्स्ट जो आइडिया है वो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। इस आइडिया को बनाने के लिए मैंने नीचे की तरफ रखा है शॉपिंग बैग को, बीच में मैंने प्लास्टिक की बोरी रखी है और ऊपर की तरफ मैंने पुरानी साड़ी का कपड़ा रखा है। 14.5 इंच इसकी लंबाई है और 14 इंच इसकी चौड़ाई है। अब देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको हमको अच्छे से क्विल्ट करके रेडी करना है। तो सबसे पहले चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और फिर बीच बीच पे सिलाई लगा के फिर क्रॉस करते हुए हमको इसको क्विल्ट कर लेना है। तो आपको जैसे भी क्विल्टिंग आती है तो आप इसको देखिए क्विल्ट कर लीजिएगा और फिर साइडों से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्विल्टिंग कर ली है। अब 2 इंच चौड़ी हमको कपड़े से पट्टी कट करना है और किसी भी एक तरफ देखिए हम ना यहाँ पे इसको इस तरीके से पट्टी को जोड़ के हम रेडी करेंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ कपड़े की पट्टी को रखना है, फिर एक सिलाई लगाना है इस तरीके से। देखिए पट्टी को हम जोड़ के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा के पट्टी को जोड़ लिया है। अब पट्टी को यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हम फोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ पे पलट देंगे और फिर हम यहाँ पे देखिए टॉप सिलाई यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने एक तरफ इस तरीके से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर ना हम चैन लगाएँगे। तो यहाँ पे देखिए 15 इंच लंबी मैंने चेन ली है और जिस साइज पे ये हमारा देखिए हमने कपड़े को क्विल्ट करके रेडी किया है ना उसी साइज पे हमको ट्रांसपेरेंट शीट लेना है। तो साड़ी कवर जो बनाते हैं ना वो वाली ट्रांसपेरेंट शीट हमको लेना है और ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर देखिए चेन को हमको उल्टा करते हुए रखना है और इस तरीके से देखिए फिर पलटते हुए हम चेन के ऊपर देखिए यहाँ पर हम टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए एक साड़ी से आपके ना बहुत सारे साड़ी कवर बनके रेडी हो जाएंगे। अब दूसरी तरफ देखिए चेन के ऊपर हमने ये जो कपड़े को वो क्विल्ट करके जो रेडी किया था ना उसको रखना है और फिर इस तरीके से देखिए दूसरी तरफ से भी चेन के ऊपर रखते हुए इसको हम जोड़ लेंगे। अब इस तरीके से देखिए इसको सीधा रखना है और ये देखिए मैंने रनर डाल लिया है। अब इसको देखिए इस तरीके से सीधा रखते हुए पहले हम 3 तरफ देखिए सिलाई लगा लेंगे। तीनों तरफ सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको देखिए हमको कट करके निकाल देना है जिससे कि जो हमारी पाइपिंग है वो फिनिशिंग से लग के रेडी होगी। अब यहाँ पे देखिए 3 इंच चौड़ी और इस तरीके से नापते हुए मैंने 40 इंच लंबी पट्टी कट कर ली है और इस पट्टी को देखिए डबल फोल्ड करते हुए हमको कपड़े के ऊपर रखना है इस तरीके से देखिए। और यहाँ पर देखिए 3 तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो तीनों तरफ सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा पट्टी थी उसको मैंने कट कर दिया है और फिर इसको देखिए सामने की तरफ पलटते हुए हमको यहाँ पे टॉप सिलाई देखिए लगा के पाइपिंग बना के यहाँ पे रेडी कर लेना है। तो जैसे हम ब्लाउज़ पे पाइपिंग बना के रेडी करते हैं ना वैसे ही पाइपिंग मैंने यहाँ पे बनाई है। तो एक साड़ी से और बेकार शॉपिंग बैग से आपके बहुत सारे साड़ी कवर बन के रेडी हो जाएंगे। तो अलग अलग बैग पे आप अलग अलग साड़ी स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे साइज पर हमारा साड़ी कवर देखिए बन के रेडी है। आप इस पर साड़ी रख सकते हैं, सूट ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए अभी मैं साड़ी पहनती हूँ, तो मैं आपको साड़ी रख के दिखा रही हूँ। आप इस पे बच्चों के कपड़े स्टोर कर सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं, कुर्ती रख सकते हैं स्टोर करके, तो बहुत ही जल्दी ये आइडिया जो है बनके रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में।